हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 9 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चावी की मदर के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी बाहर आ जाते हैं। मदर सभी को बताती है, फिरोज मुझे लूटने की कोशिश कर रहा था और उसने मुझे पत्थर भी मार दिया। आर्या मदर से पूछती है, फिरोज ने आपको पत्थर मारा है तो पत्थर आपके हाथ में क्या कर रहा है? मदर बताती है, मैंने उससे ले लिया तुम्हें सच दिखाने के लिए। चावी फिरोज की पिटाई करने लग जाता है। आर्या चावी को रोक लेती है। आर्या फिरोज को सब कुछ सच बताने को कहती है, पर फिरोज आर्या को बोलती है, मैंने तुमसे झूठ कहा था, मैं सच में यहाँ चोरी करने आया था। आर्या भी फिरोज की बातों में आ जाती है। ग्रैंड मदर फिरोज को अपने घर से निकाल देती है। फिरोज वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चावी ग्रैंडमा से पूछता है, क्या आप प्रासन नाम के किसी एम्प्लॉय को जानती हैं? ग्रैंडमा शॉक हो जाती है और बोलती है, नहीं मैं नहीं जानती। इसके बाद चावी ग्रैंडमा से पूछता है, क्या आप 15 कॉर्पोरेशन को जानती है? ग्रैंडमा फिर शॉक हो जाती है। चावी ग्रैंडमा को बताता है, बड़ी अजीब बात है, 15 कॉर्पोरेशन के ओनर की बेटी का नाम भी आर्या था। ग्रैंडमा ये सुनकर शॉक हो जाती है और पूरी तरह से कांप जाती है। ग्रैंडमा बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर चोली पिसान का ख्याल रखने लग जाती है, क्योंकि चोली को पिसान पसंद आने लगता है। फिरोज डॉक्टर को जाकर बताती है, मैं अमरापुर फैमिली की रियल हायर हूँ। डॉक्टर पूछता है, तुम्हारे पास क्या एविडेंस है? फिरोज बताती है, मेरे पास अमरापुर फैमिली की रिंग थी, वो भी चावी की मदर ने मुझसे छीन कर फेंक दी। डॉक्टर बोलता है, इसका मतलब है मदर ने सब किया है अमरापुर फैमिली को झूठ का कि तुम पैदा होते ही मर गए थे। फिरोज बताती है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं जिससे मैं ये सच साबित कर सकूं। डॉक्टर बताता है, मैं अमरापुर फैमिली के पुराने फैमिली डॉक्टर को जानता हूँ, बताया कि डिलीवरी भी कराई होगी, वहाँ से हमें सच पता चल सकता है। फिरोज पूछती है, वो डॉक्टर कौन है? डॉक्टर बताता है, वो मेरे फादर ही थे पर वो मर गए हैं। दूसरी ओर अमरापुर फैमिली एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रही होती है। प्रासित वहां आकर आर्या को पहचान लेता है, ये विप्टन कॉर्पोरेशन के ओनर की बेटी है। आर्या को कुछ समझ नहीं आता ये सब क्या चल रहा है। ग्रैंडमा आर्या को सच बता देती है, मेरी वजह से विप्टन कॉर्पोरेशन बैंकरप्ट हो गया, क्योंकि मैंने प्रासित से सीक्रेटली कंपनी के इन्फॉर्मेशन ले लिए थे। विप्टन कॉर्पोरेशन के ओनर तुम्हारे पेरेंट्स थे, मुझे पता नहीं था वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और सुसाइड कर लेंगे, इसलिए मैंने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया। आर्या को ग्रैंडमा पर गुस्सा आता है, लालच के चक्कर में उन्होंने आर्या के पेरेंट्स की जान ले ली। ग्रैंडमा आर्या से माफी मांगती है। चावी आर्या को शांत होने को कहता है। आर्या को समझ आ जाता है, चावी को भी सब कुछ पहले से पता था और उसने उसे कुछ नहीं बताया। आर्या ग्रैंडमा और चावी को बोलती है, मैं आप दोनों को सबसे ज्यादा प्यार करती थी और आपने ही मुझे धोखा दिया। आर्या गुस्से में वेडिंग रिंग वहीं छोड़कर चली जाती है। दूसरी ओर डॉक्टर को अपने फादर के डॉक्यूमेंट में से फिरोज का बर्थ रिकॉर्ड मिल जाता है और साथ ही डॉक्टर को पता चल जाता है फिरोज एक लड़की है। डॉक्टर खुशी से रोने लगता है। आर्या के जाने के बाद चावी अपसेट हो जाता है। दीदी चावी को बोलती है, आर्या तुम्हें ट्रू लव नहीं करती थी, अगर वो तुम्हें सच्चा प्यार करती तो कभी तुम्हें इतनी छोटी सी बात पर छोड़कर नहीं जाती, पर मैं तुम्हें सच्चा प्यार करती हूँ इसलिए अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद मदर चिल्लाते हुए चावी को आकर बताती है, चोली का कॉल आया है, उसे किडनैप कर लिया गया है। मदर चोली की बात चावी से कराती है। चावी चोली से उसका एड्रेस पूछता है। चोली बता देती है, पिसान चोली को फोन पर बात करता हुआ देख लेता है और चोली से फोन छीन कर तोड़ देता है। इसके बाद पिसान चोली को टॉर्चर कर रहा होता है, तभी चावी चोली को बचाने आ जाता है। चावी चोली से पूछता है, ये सब कैसे हुआ? चोली चावी को बताने ही वाली होती है, तभी पिसान चावी को चोली यानी दीदी का लवर समझकर उसे मारने वाला होता है। तभी पिसान के फादर उसे आकर बताते हैं, ये लड़की दीदी नहीं है। चावी पिसान से गन ले लेता है और उसे गोली मारने वाला होता है। चोली बीच में आकर पिसान को बचा लेती है और वो गोली चोली को लग जाती है। पिसान को चोली के लिए बुरा लगता है पर पुलिस के डर से वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद डॉक्टर चावी को बताता है, चोली खतरे से बाहर है, घबराने वाली बात नहीं। दीदी मौके का फायदा उठाती है और चावी को बोलती है, मैं हमेशा हर दुख में तुम्हारे साथ रहूंगी। मदर चावी को बताती है, जैसे ही चोली रिकवर हो जाएगी उसके बाद मैं तुम्हारी शादी दीदी के साथ करा दूंगी। चावी बोलता है, हमें ग्रैंडमा की परमिशन लेनी चाहिए। मदर बोलती है, कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो करूंगी। आर्या भी उसी हॉस्पिटल में होती है। आर्या को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है।
आरा को चावी की फैमिली वहाँ से जाते हुए दिखते हैं। आरा को हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट से पता चलता है चोली हॉस्पिटल में एडमिट है। आरा चोली को मिलने चाहती है। चोली आर्या को बोलती है तुम जल्दी से चावी के पास वापिस आ जाओ, नहीं तो मदर चावी की शादी दीदी के साथ करा देगी। तभी चावी वापस रूम में आ जाता है। आर्या कर्टन्स के पीछे छुप जाती है। चोली चावी से पूछती है क्या तुम दीदी से शादी करना चाहते हो। चावी बताता है नहीं करना चाहता, पर मुझे पता है आर्या कभी वापस नहीं आएगी, इसलिए मैं मदर की खुशी के लिए दीदी से शादी कर लूंगा। आर्या ये सब सुनकर रोने लग जाती है। चोली चावी को दीदी का सच बताने ही वाली होती है, पर तभी नर्स चोली को इंजेक्शन लगा देती है और चोली कुछ भी नहीं बता पाती क्योंकि बेहोश हो जाती है। इसके बाद चोली ठीक होकर घर आ जाती है। चोली दीदी को बताती है मुझे तुम्हारा सच पता चल गया है, कैसे तुमने एक ओल्ड आदमी को अपने प्यार में फंसा कर उसका सब कुछ लूट लिया और अब तुम मेरे भाई से भी पैसों के चक्कर में शादी कर रही हो। तेरी चोली को बोलती है पर तुम कैसे प्रूव करोगी ये सच, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। चोली ये सुनकर घबरा जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ग्रैंडमा की बिल पड़ी जाती है जिसमें अमरापुन कॉर्पोरेशन का सारा बिजनेस चावी और उसकी वाइफ के नाम कर दिया जाता है और बैंकों की सारी प्रॉपर्टी चोली के नाम कर दी जाती है जो भी ग्रैंडमा के पास थी। मदर ग्रैंडमा से पूछती है ये मेंशन आपकी ज्वेलरी और बैंक के सारे पैसे आप किसे देंगी। ग्रैंडमा सभी को बताती है वो सब मैंने नताया की बेटी पैलिन के नाम कर दिया है। पैलिन की एंट्री होती है, पैलिन पीरोज ही होती है, उसका रियल नाम पैलिन होता है। मदर के होश उड़ जाते हैं। पैलिन सभी को बताती है मदर ने मुझे पैदा होते ही मारना चाहा। चावी की मदर ग्रैंडमा से पूछती है आप इस पर बिलीव कैसे कर सकती हैं? तो वहाँ आकर बताता है मेरे पास पैलिन का बर्थ सर्टिफिकेट है जिससे ये प्रूव हो जाता है पैलिन अमरापुन फैमिली की ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंडमा मदर को बताती है मुझे वो रिंग भी मिल गई है जो तुमने फेंक दी थी पैलिन से छीन कर। मदर के ये सुनकर होश उड़ जाते हैं अब तो मैं गई काम से। मदर पैलिन को पकड़ लेती है ताकि वहाँ से भाग सके। पैलिन मदर से गन लेने की कोशिश करती है और खिसियातानी में मदर स्टेयर से नीचे गिर जाती है। इसके बाद चोली पिसान के फादर को घर बुलाती है दीदी का सच सबको बताने के लिए। चोली सभी को बताती है ये आदमी दीदी का एक्स हस्बैंड है। चोली दीदी की उस आदमी के साथ सारी फोटो भी दिखाती है। दीदी का सच सबके सामने आ जाता है। चावी दीदी को बोलता है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। दीदी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि दीदी चावी से सच्चा प्यार करती थी। इसके बाद पैलिन चावी को बताती है आर्या प्रेग्नेंट है। चावी तुरंत आर्या से मिलने जाता है और उसे वापस घर चलने को कहता है हम एक नई शुरुआत करेंगे। आर्या मान जाती है। इसके बाद पिसान चोली से मिलने एक रेस्टोरेंट में आता है और उससे माफी मांगता है गलत फैमिली में उसे टॉर्चर करने के लिए। साथ ही पिसान चोली को अपने प्यार का इजहार भी करता है। चोली दुखी हो जाती है क्योंकि चोली ने पिसान को पकड़ने के लिए पुलिस बुलाई होती है। पिसान चोली के प्यार के लिए अपना गुनाह मान लेता है और जेल चला जाता है। इसके बाद ग्रैंडमा पैलिन को बताती है तुम मेरी रियल ग्रैंड डॉटर नहीं, मुझे अपनी रियल ग्रैंड डॉटर पैलिन मिल गई है। रिंग सेम होने की वजह से तुम्हें ऐसा लगा कि तुम अमरापुन फैमिली की ग्रैंड डॉटर हो, पर तुम्हारी फैमिली ए अमरापुन है। पैलिन ये सुनकर एकदम टूट जाती है। इतने दिनों तक उसने अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए जो मेहनत की वो वेस्ट हो गई। पैलिन डॉक्टर को जाकर सब बता देती है और बोलती है मुझे दोबारा अपनी रियल फैमिली को ढूंढना होगा। डॉक्टर पैलिन को बोलता है अब तुम अपनी जिंदगी का और टाइम वेस्ट मत करो, मेरे साथ नई फैमिली बनाओ यही मेरे साथ रहकर। पैलिन डॉक्टर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। आर्या और चावी ग्रैंडमा के पास आते हैं। आर्या ग्रैंडमा को बोलती है मुझे माफ कर दो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और जिसकी वजह से मैंने अपने पेरेंट्स को खोया, मैं वहाँ नहीं रह सकती। चावी भी ग्रैंडमा को बताता है मैं अमरापुन फैमिली का वारिस नहीं हूँ, मैं मदर के फादर से शादी करने से पहले ही उनके पेट में था, यानी उनके एक्स बॉयफ्रेंड का बेटा हूँ, इसलिए मैं भी आर्या के साथ घर छोड़कर जा रहा हूँ। ग्रैंडमा दुखी हो जाती है, उनकी सारी जायदाद रखी रह गई, उसे लेने वाला कोई नहीं, सभी उन्हें छोड़कर चले गए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है आर्या और चावी अपने बेबी के साथ बहुत खुश होते हैं और पैलिन डॉक्टर के साथ प्रेगनेंसी डे एंजॉय कर रही होती है। टोली पिसान के लिए उसका रिसोर्ट दोबारा बना देती है और मदर और चावी की मदर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दीदी को पैसे लूटने के लिए एक नया मुर्गा मिल जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी बाय बाय।